हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल डू ईमेल। व्हाट इज ईमेल? ईमेल क्या होता है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या होता है? वो मेल जो हम इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं। ओके, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल टू सेंड मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज थ्रू कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। और ईमेल हम कहाँ पर सेंड करते हैं? ईमेल हम सेंड करते हैं नेटवर्क पर। ओके, यू आर एबल टू सेंड द ईमेल व्हेन योर डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। और वो नेटवर्क कोई सा भी नेटवर्क हो सकता है, लैंडमैन, आपका इंटरनेट नेटवर्क, राइट? तो अगर आपके पास आपका डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है, यू कैन सेंड योर मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, आप अपने मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकते हैं, राइट? ओके, आपको मैन्युअली मैसेज सेंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, मोस्ट ईमेल सर्विसेज यूज द एसएमटीपी पीओपी प्रोटोकॉल्स। ओके, जब इंटरनेट क्या करता है, कुछ रूल्स फॉलो करता है, उन रूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उनका क्या फंक्शन था? डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करना। ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता था? डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता था, सेंडर कंप्यूटर पे और रिसीवर कंप्यूटर पे उसे रीअसेंबल करता था। आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है? सारे डिवाइसेस को, जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, उनको क्या करता है? एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही ईमेल सर्विसेज, ठीक है, जहाँ ईमेल सर्विसेज कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल और पीओपी प्रोटोकॉल। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड पीओपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, फॉर स्टोरिंग एज वेल एज फॉरवर्डिंग ईमेल्स फ्रॉम वन वेब सर्वर टू अनदर। तो ईमेल के जो ट्रांसफर में, ईमेल के स्टोरेज में, ट्रांसफर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? एसएमटीपी और पीओपी। और बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन मेन प्रोटोकॉल्स ये एसएमटीपी एंड पीओपी है। ओके, तो ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ईमेल को स्टोर करने के लिए, उसे वन सर्वर से दूसरे सर्वर पर फॉरवर्ड करने के लिए। ओके, यहाँ पे वेब सर्वर मीन्स आप वेबसाइट भी ले सकते हो। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर आप जो ईमेल सेंड कर रहे हो उसके लिए, राइट? द ईमेल प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज टू सेंड, रिसीव, स्टोर एंड डिलीट मेल्स। जो हमारे पास ईमेल की फैसिलिटीज जो हमें दी गई है, ओके, उस फैसिलिटीज में क्या क्या इन्वॉल्व है? वी कैन सेंड द मैसेजेस, हम मैसेजेस को, ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। वी कैन रिसीव द मैसेजेस, वी कैन रिसीव द मेल्स। ओके, आप मेल्स को रिसीव कर सकते हो, उनको स्टोर कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो डिलीट देम। अगर आप चाहते हो तो अपने मेल्स को डिलीट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार मेल्स आ गई या सेंड कर दी तो यू कैन नॉट डिलीट, यू कैन डिलीट देम ऑल्सो, राइट? टू स्टार्ट यूजिंग द ईमेल सर्विस, वन हैज टू फर्स्ट क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। ओके, तो अगर आपको ईमेल सर्विस यूज करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा ऐसे वेब सर्वर पर, ऐसी वेबसाइट पर जो आपको ईमेल अकाउंट बनाने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ओके, जो आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, राइट? व्हेन यू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, यू विल बी प्रोवाइडेड अ यूजर नेम एंड पासवर्ड टू लॉग इन टू योर अकाउंट। ओके, जब आप अपना ईमेल अकाउंट बना लेंगे, तब आपको क्या मिल जाएगा? एक यूजर नेम बन जाएगा, मिल जाएगा, और एक पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अपने अकाउंट के अंदर एंटर कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो उसके अंदर। ओके, राइट? तो ईमेल क्या है? वो मेल जो आप इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करते हो, राइट? ओके, ऑन लॉगिंग इन टू योर अकाउंट द ईमेल इंटरफेस दैट ओपन्स जनरली कंटेन्स द फॉलोइंग लिंक्स। जब आप अपने लॉग इन करते हो अकाउंट में, ईमेल अकाउंट में, ठीक है, तो आपको कैसा इंटरफेस मिलता है? इंटरफेस मतलब क्या होता है? आपकी फ्रंट स्क्रीन, मीडियम। ओके, तो ईमेल की विंडो आपके पास कैसे आती है? उसमें कुछ लिंक्स दिए होते हैं। ओके, कुछ लिंक्स दिए होते हैं, जैसे कंपोज मेल का लिंक आपको मिल जाएगा। कंपोज मेल भी लिखा हो सकता है, राइट मेल भी लिखा हो सकता है उस लिंक पर, राइट? क्लिकिंग ऑन दिस लिंक अलाउज यू टू राइट अ न्यू मैसेज एंड सेंड इट। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो क्या होता है? एक विंडो ओपन हो जाती है। ओके, एक पर्टिकुलर विंडो ओपन हो जाती है। आप उस विंडो के अंदर क्या कर सकते हो? न्यू मैसेजेस को लिख सकते हो और उन्हें सेंड कर सकते हो।
ओके नाउ यू हैव इनबॉक्स, दिस इज अ लिंक टू द फोल्डर दैट कंटेन्स द इनकमिंग मेल्स। जब आप इनबॉक्स पे क्लिक करते हो, इनबॉक्स लिंक पे क्लिक करते हो, तो क्या होता है, एक फोल्डर ओपन हो जाता है जहां पे वो सारी मेल्स होती हैं जो आपके पास आई हैं, इनकमिंग मेल्स। ओके द इनकमिंग मेल्स विल रिमेन इन दिस फोल्डर टिल यू डिलीट देम। और इनबॉक्स के अंदर वो सारी मेल्स आपको मिल जाएंगी जो किसी और ने आपको सेंड की हैं। ओके और वो आपके पास तब तक रहेंगी जब तक कि आप उनको खुद डिलीट नहीं करते। ओके देन यू हैव आउटबॉक्स, दिस इज अ लिंक टू द फोल्डर दैट कंटेन्स ऑल द मेल्स दैट आर वेटिंग टू बी सेंट। द आउटगोइंग मेल्स रिमेन इन दिस फोल्डर टिल दे आर सेंट। आउटबॉक्स पे जब आप क्लिक करते हो तो ये लिंक आपको कहाँ पहुंचाता है, ये लिंक आपको उस फोल्डर में पहुंचाता है जहाँ पे वो सारी मेल्स हैं जो जाने का इंतजार कर रही हैं। आपने क्या किया, उनको सेंड कर दिया है। ओके बट समटाइम्स क्या होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, नेटवर्क ट्रैफिक, तो क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए वेट करती है। ओके तो वेट करने के टाइम पे वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है, वो आउटबॉक्स फोल्डर में जाके स्टोर होती है, राइट। ओके नेक्स्ट यू हैव द सेंट, दिस इज अ लिंक टू द फोल्डर दैट कंटेन्स द मेल्स सेंट फ्रॉम योर अकाउंट। सेंट जो जब आप सेंट पर क्लिक करते हो तो कहाँ पे ये लिंक आपको कहाँ पहुंचाता है, उस फोल्डर पे जहाँ पे वो सारी मेल्स होती हैं जो आपने अपने ईमेल अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स पर सेंड की है। ओके दीज मेल्स रिमेन्स इन दिस फोल्डर टिल यू डिलीट देम। और ये मेल्स कब तक रहती है, जब तक कि आप खुद उनको डिलीट नहीं करते हो। ओके ओके नाउ नेक्स्ट यू हैव ट्रेस और डिलीटेड मेल्स, दिस लिंक्स यू टू द फोल्डर दैट कंटेन्स ऑल द डिलीटेड मेल्स। ओके जब आप ट्रेस पे या डिलीटेड मेल्स पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक फोल्डर ओपन हो जाता है जिसके अंदर वो सारी मेल्स होती हैं जो आपने क्या की हैं, डिलीट की हैं। डिलीट होने के बाद भी वो उसमें कुछ टाइम तक सेव रहती है, फाइन। तो वो कहाँ पे सेव रहती है, ट्रेस फोल्डर के अंदर सेव रहती है। ओके Now you have spam or junk mail. This links you to the folder that contains all the mails identified by your mailbox as junk mail. जब आप स्पैम पे क्लिक करते हो तो कहाँ क्या होता है, वो फोल्डर ओपन हो जाता है। ये कौन से फोल्डर से लिंक होता है, उस फोल्डर से लिंक होता है जो सारे के सारे स्पैम मेल्स या जंक मेल्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो जो आपका अकाउंट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कुछ मेल्स को स्पैम में डाल देता है। जब उसे सस्पिशियस मेल्स दिखती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उन जितने भी मेल्स उसे सस्पिशियस लगती है अकाउंट्स को, वेब सर्वर को जो वो पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या करता है, उन मेल्स को कहाँ स्टोर कर देता है, स्पैम फोल्डर में स्टोर कर देता है। ओके नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल मैसेज, ठीक है। जो ईमेल मैसेज आप सेंड करते हो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ईच मेल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, हेडर एंड बॉडी। ओके जितने भी मेल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हेडर में एंड बॉडी में। ओके द मैसेज हेडर कंटेन्स द फॉलोइंग फील्ड्स। जो मैसेज का हेडर होता है, जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो उसमें जो हेडर होता है, ओके वो कौन कौन से फील्ड्स कंटेन करता है, आपका टू का फील्ड होगा। ओके टू का फील्ड क्या करता है, दिस फील्ड कंटेन्स द ईमेल एड्रेसेस ऑफ द रेसिपियंट्स ऑफ द मेल। टू में आप उन लोगों के ईमेल आईडीज क्या करोगे, उनको टाइप करोगे जिनके पास आपको आपको अपना मेल सेंड करना है, फाइन। देन यू हैव सीसी, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। टू के जो नीचे होता है वो सीसी का फील्ड दिया होता है, सीसी, राइट। दिस फील्ड कंटेन्स द ईमेल एड्रेसेस ऑफ द रेसिपियंट्स हु विल आल्सो गेट अ कॉपी ऑफ द मेल। इसके अंदर भी आप क्या करते हो, नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ आईडीज होते हैं रेसिपियंट्स के आईडीज, उनको क्या करते हो, टाइप करते हो, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द कोमा, ठीक है। एक एड्रेस टाइप किया देन कोमा लाइक दिस। ओके तो इन जितने भी एड्रेस आपने सीसी के अंदर टाइप किया किए हैं उनके पास भी क्या होगा, आपके मैसेज की, आपके मेल की कॉपी पहुंचेगी। ओके लेकिन एक चीज और होगी, जितने भी रेसिपिएंट है उनके पास एड्रेस लिस्ट भी पहुंचेगी कि कितने और लोगों के पास सेम मैसेज गया है। ओके देन यू हैव बीसीसी, बीसीसी आपके पास सीसी के बाद आपका आता है बीसीसी, राइट, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके तो ये क्या, दिस इज सेम एज सीसी, सीसी की तरह ही होता है। आप इसके अंदर भी नंबर ऑफ आईडीज टाइप करोगे जिनके पास आपको मेल सेंड करने, ओके एंड जितने भी आईडीज हैं उनके पास क्या होगा, आपकी मेल्स सेंड हो जाएगी। लेकिन एक डिफरेंस है सीसी एंड बीसीसी में, सीसी में क्या होता है,
आपकी जो लिस्ट होती है एड्रेस की, वो भी रेसिपिएंट्स के पास जाती है, बट बीसीसी में एड्रेस की लिस्ट नहीं जाती है, तो किसी भी पर्सन को ये पता नहीं चलता कि उसके अलावा ये मेल और किसके पास गई है। फाइन, बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लैंक कार्बन कॉपी। द रेसिपियंट इन दिस फील्ड विल रिसीव द मेल विदाउट एनी ऑफ द अदर रेसिपियंट नोइंग अबाउट इट। ठीक है, क्या कह रहा है कि जितने भी रेसिपियंट है उन्हें ये नहीं पता चलेगा और किसके पास ये मेल सेंड हुई है। ओके, नाउ वी हैव द सब्जेक्ट फील्ड। सब्जेक्ट फील्ड में क्या करते हो आप, अपने मेल का सब्जेक्ट उसमें टाइप करते हो। जैसे आपने एप्लीकेशन अगर सेंड करनी है तो एप्लीकेशन आप लिखोगे सब्जेक्ट के अंदर। आपको पार्टी के लिए मैसेज सेंड करना है अपने फ्रेंड्स को, तो आप क्या लिखोगे, इनविटेशन फॉर द पार्टी, राइट। तो यू विल स्पेसिफाई द सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फील्ड। ओके, इन एडिशन द हेडर ऑल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हेडर में और भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। ठीक है, डेट एंड टाइम व्हेन द मैसेज वाज सेंट, कब आपका मैसेज सेंट हुआ है, ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज। ठीक है, जो मैसेज भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस एंड रूट डिटेल्स भी आती है कि किस रूट से आपका मैसेज ट्रेवल करेगा। ठीक है, नाउ यू हैव द अटैचमेंट। अटैचमेंट जो होता है लिंक, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम पे क्या होता है, एक विंडो ओपन हो जाती है। उस विंडो की हेल्प से आप कोई भी फाइल, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो अटैच कर सकते हो अपने मेल में। ठीक है, ओके, दिस कैन बी यूज टू अटैच फाइल सच एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो अलॉन्ग विद द मैसेजेस। मैसेज टाइप करने के बाद अगर आपको उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, पिक्चर सेंड करनी है, ऑडियो सेंड करना है, वीडियो सेंड करना है, तो आप उसको एज अ अटैचमेंट सेंड कर सकते हो। फाइन, द बॉडी ऑफ द मेल कंटेन्स द एक्चुअल मैसेज बीइंग सेंट। अब ये क्या था, इससे पहले हमने पूरा हेडर कंप्लीट कर लिया, अब मेन जो है वो क्या है, बॉडी। बॉडी के अंदर आप क्या करते हो, टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हो। ठीक है, जो आपको अपने अटैचमेंट के साथ या विदाउट अटैचमेंट आपको सेंड करना है। ओके, वंस द मैसेज हैज बिन कंपोज, क्लिक ऑन द सेंड बटन टू सेंड द मैसेज टू द डेस्टिनेशन। और जब आपका मैसेज कंपोज हो जाता है, आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, डेस्टिनेशन पर सेंड हो जाएगा। ओके, अभी हमने किया था, फिर एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी, क्योंकि एक मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन कॉपी और ब्लैंक कार्बन कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। कार्बन कॉपी अलाउज एन ईमेल टू बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय राइटिंग देयर रिस्पेक्टिव एड्रेसेस सेपरेटेड बाय कोमा। ओके, तो ये क्या कह रहा है, आप कार्बन कॉपी में बहुत सारे लोगों के क्या कर सकते हो, एड्रेस टाइप कर सकते हो। एक और वो कैसे टाइप करोगे, वन एड्रेस कोमा देन द रेस्ट ऑफ द, लाइक दिस द एड्रेसेस विल बी सेपरेटेड बाय द कॉमास। ओके, ऑल द रेसिपियंट सी द लिस्ट ऑफ द पीपल इन द सीसी फील्ड। और जितने भी लोगों के पास मैसेज जाएगा उनके पास लिस्ट भी जाएगी एड्रेसेस की कि और किस किस के पास ये मैसेज गया है। ओके, ब्लैंक कार्बन कॉपी इज सीसी एक्सेप्ट दैट द रेसिपियंट डज नॉट सी द लिस्ट ऑफ द पीपल इन द बीसीसी फील्ड। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी आप नंबर ऑफ एड्रेसेस को टाइप कर सकते हो जिनको आपको मैसेज सेंड करना है, राइट। ओके, दे विल गेट द मैसेज, दे विल गेट द मेल। ठीक है, उनके पास मेल पहुंचेगी बट दे विल नॉट गेट द लिस्ट ऑफ द रेसिपियंट, लेकिन उनके पास लिस्ट नहीं पहुंचेगी कि और किसके पास ये मैसेज सेंड हुआ है। ओके, एंड ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, अब हम देखेंगे जो ईमेल एड्रेस होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। एंड ईमेल एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड होस्ट नेम सेपरेटेड बाय एट सिंबल। ओके, ईमेल एड्रेस जो हम क्रिएट करते हैं उसमें फर्स्ट क्या होता है, यूजर नेम। यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। एंड सेकेंड क्या होता है, होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या होता है, वेब सर्वर नेम, वो सर्वर जो आपको ईमेल अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो वेबसाइट जो आपको ईमेल अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ओके, नाउ एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे हमने अपना यूजर नेम दिया ab123, ओके, एट द रेट gmail.com। gmail.com यहाँ पे क्या है, यहाँ पे gmail.com होस्ट नेम है, वो वेबसाइट है, वो वेब सर्वर है जो आपको ईमेल अकाउंट बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, देखो, हियर ab123 इज द यूजर नेम एंड gmail.com इज द होस्ट नेम। फाइन, यूजर नेम इट कैन बी एनी नेम गिवन बाय द यूजर। और यूजर नेम कौन देता है, यूजर देता है। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूजर नेम दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है एट द रेट सिंबल एंड देन होस्ट नेम और डोमेन नेम। इट इज द नेम ऑफ द ईमेल सर्वर डेट प्रोवाइड ईमेल सर्विस। और होस्ट नेम क्या होता है, ईमेल सर्वर होता है जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, चीप। ईमेल क्या होता है, बहुत चीप होता है, राइट। बहुत कम कॉस्ट में आप नंबर ऑफ पीपल को क्या मैसेज सेंड कर सकते हो, और
थ्रू आउट द वर्ल्ड आप कहीं पर भी मैसेज को सेंड कर सकते हो, मेल को सेंड कर सकते हो, ठीक है। सेंडिंग ईमेल गोज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस एंड द नंबर ऑफ पीपल यू सेंड इट टू, ठीक है। तो क्या है, आप इस कोई डिस्टेंस हमारे लिए मायने नहीं रखता, हम वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर में अपना मेल सेंड कर सकते हैं और कितने भी लोगों को सेंड कर सकते हैं, ओके। अगर आप सोचो मैन्युअली ये करना पड़े तो कितने पैसे लग जाएंगे और कितना टाइम लगेगा, राइट। लेकिन ईमेल क्या है, बहुत ही चीप सर्विस है, फास्ट, बहुत फास्ट है। एंड ईमेल शुड रीच इट्स रेसिपिएंट इन मिनट्स और एट द मोस्ट विद इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट सर्विस है, ये कुछ मिनट्स के अंदर भी मेल सेंड हो सकती है और कुछ आवर्स भी लग सकते हैं अगर नेटवर्क ट्रैफिक जाता है, ओके। कन्वीनियंट, योर मैसेज विल बी स्टोर्ड अंटिल द रेसिपिएंट इज रेडी टू रीड इट एंड यू कैन इजली सेंड द सेम मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो ये क्या है, हम सेम मैसेज बहुत सारे लोगों को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और जब तक कि वो सेंड नहीं होता तो आउटबॉक्स में स्टोर होता है, ओके। सेंड, जब तक कि आपका मैसेज स्टोर सेंड नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं खो जाएगा, वो आउटबॉक्स में स्टोर रहता है, फाइन। देन वी हैव परमानेंट, यू कैन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द मैसेजेस एंड रिप्लाईज इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ वेन अ मैसेज वॉज रिसीव्ड। अब मैसेज का क्या है, ये परमानेंट है, ठीक है। आपके अकाउंट में जितने भी मेल्स हैं वो सारे परमानेंट हैं, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड है कि आपने कितने, आपके पास कितने मेल्स आए, आपने कितने मेल्स सेंड किए, ओके। जब तक कि आप खुद उसको डिलीट नहीं करते हैं, और क्या फायदा है, जब इंपॉर्टेंस फाइल्स होती हैं उनको एक वर्चुअल स्पेस मिल जाता है, वो आराम से वहां स्टोर है, आपको पेन ड्राइव में स्टोर करके यहाँ वहां रखने की जरूरत नहीं। अगर आपकी वो इंपॉर्टेंट फाइल्स कहाँ पे हैं, आपके मेल अकाउंट में स्टोर है, ओके ओके। ईमेल के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ओके। मेनी पीपल सेंड एंड अनवांटेड मेल्स टू अदर, दीज आर कॉल्ड स्पैम मेल्स। क्या होता है, समटाइम्स लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेल्स, अनवांटेड मेल्स सेंड करते रहते हैं, ठीक है। वो मेल्स जो, वो मेल्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्पैम मेल्स कहा जाता है, ओके। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फिल्टर आउट द अनवांटेड ई मेल्स फ्रॉम दोज डेट आर रियली इंपॉर्टेंट। समटाइम्स क्या होता है, आपके इनबॉक्स के अंदर भी अनवांटेड मेल्स आ जाते हैं बहुत सारे, तो आपके लिए ये बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है उनको जो इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं उनसे अलग करना, उनको फिल्टर करना, फाइन, ओके। ईमेल्स में कैरी वायरसेस, समटाइम्स क्या होता है, आपके पास ऐसी ईमेल्स आती है जिसमें अटैचमेंट्स होती है, आप क्लिक करते हो तो वायरस क्या होता है, आपके अकाउंट में एंटर कर जाता है। दीज आर स्मॉल प्रोग्राम्स दैट हार्म योर कंप्यूटर सिस्टम, दे कैन रीड आउट योर ईमेल एड्रेस बुक एंड सेंड देमसेल्व्स टू अ नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ओके। और ये वायरसेस जब आपके अकाउंट में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, आपकी ईमेल एड्रेस बुक को रीड कर लेते हैं, मतलब जितने भी आपके अकाउंट में आईडी सेव होंगे उनको ये रीड कर लेंगे और खुद अपने आप क्या करेंगे, अपने आप को ईमेल कर लेंगे जितने भी एड्रेसेस हैं उन पर। तो जितने वायरस ने क्या किया, आपके अकाउंट में आके आपके जितने भी एड्रेसेस थे उनके पास वो खुद एज अ मेल चला गया। अब जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो उसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, उनका अकाउंट भी करप्ट हो जाएगा, और आगे ये क्या होगा, ये चेन चलती रहेगी, वो मेल करते रहेंगे और ये चेन चलाते रहेंगे, फाइन। तो क्या होगा, वायरस बहुत क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ओके। ईमेल कैन नॉट रियली बी यूज फॉर ऑफिशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट में ईमेल का यूज नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है, आपकी ईमेल को ट्रैप किया जा सकता है, तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ईमेल के थ्रू नहीं एक्सचेंज किए जाते, सेंड नहीं किए जाते। योर मेल बॉक्स में गेट फ्लडेड विद ई मेल्स आफ्टर सर्टेन टाइम, सो यू हैव टू एम्प्टी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या होता है, कई बार इतने मेल्स आ जाते हैं कि आपका ई मेल अकाउंट स्लो हो जाता है, तो उस टाइम आपको क्या करना होता है, अपने अकाउंट को बार बार क्या करना होता है, उसमें से जितने भी यूजलेस ई मेल्स होते हैं उनको डिलीट करना होता है, ओके। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। टिल देन कीप स्टडिंग। All the best for your exams and subscribe my channel for more useful videos.